में प्रवेश करने के लिए बधाइयाँ बैयर मोबाइल 11 को, आपने फाइनल में प्रवेश किया। काफ़ी अच्छा मुकाबला दोनों ही टीम के मध्य में देखने मिला, काफ़ी अच्छा मैच था, दर्शकों को अच्छा मनोरंजन हुआ। हमारे बीच में इस समय सोनू दुबे जी हैं, आज आपने निर्णायक भूमिका भी निभाए हैं। मैं आपसे इस फॉर्मेट और हमारे BPL सीजन 10 के संबंध में वक्तव्य चाहूँगा। BPL हमेशा से एक शानदार टूर्नामेंट रहा है और मैं कमेटी को हार्दिक बधाई देता हूँ जो लगातार 10 वर्षों से एक शानदार प्रतियोगिता यहाँ पर कराई जा रही है, जिससे क्षेत्र के ही खिलाड़ियों को एक तो उत्साह मिल रहा है और एक मौका मिल रहा है कि बाहर के खिलाड़ियों से सीखने के लिए और अपना नाम, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी। अब मैं विनिंग टीम से मेहमान खिलाड़ी को अश्विन सहारे जी को बुलाना चाहूँगा। अजीम अजीम जी, बर्थडे बॉय है अजीम जी और आपको लोग सुनना चाह रहे हैं, प्लीज आ जाइए। चलिए मैं ऑनर राजेश वीके जी यहाँ पर हैं, मैं आपसे ही, क्योंकि आपने फाइनल प्रवेश किया और पिछले संस्करण के विजेता भी रहे हैं, आप बचाव भी कर रहे हैं एक तरह से। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा बैहर की जनता की, जो कि हमें बहुत सपोर्ट करते हैं बैहर मोबाइल को। उनके सपोर्ट के बिना शायद हमारी टीम आगे बढ़ती, और उसके साथ मेरी टीम के जितने प्लेयर हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि इतना अच्छा खेल के कल हम फाइनल में प्रवेश कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद वीके जी। अब मैं आदित्य कदम जी को बुलाना चाहूँगा, कदम नाइट राइडर से। पहले तो जीतने वाली टीम को बहुत सारी बधाइयाँ, अब आपको फाइनल जीतना है। और हमने कुछ काफ़ी अच्छा नहीं खेला, बॉलिंग में काफ़ी रन पड़ गए थे और हमने बैटिंग में एक प्लान किया था लेकिन उस हिसाब से हम रन नहीं कर पाए, तो उसी कारण हम आ गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच मैन ऑफ द मैच देने के लिए सम्माननीय सोनू दुबे जी, सम्माननीय विनय जी एवं मुख्य प्रायोजक इस पूरे संस्करण के सम्माननीय श्री सुनील धारवे जी उपस्थित हैं। आप तीनों के हाथों मैन ऑफ द मैच दिया जाना है और मैन ऑफ द मैच की घोषणा करने जा रहा हूँ आप सभी के बीच में, जिन्होंने बल्लेबाजी में 28 गेंदों का सामना किया, 57 रन जिसमें 6 छक्के और 2 चौवे शामिल हैं, और अपने स्पेल के 3 ओवर में 16 रन खर्च करके 3 सफलताएं अर्जित की। आपकी जोरदार तालियों के बीच मेहमान खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच मिस्टर अश्विन सहारे, जोरदार तालियां इनके लिए। अब अश्विन सहारे जी को बोलना ही पड़ेगा, कल का क्या देखना, कल कभी आता नहीं है, आप मैन ऑफ द मैच बने हैं। चलिए दोनों टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले मैच की ओर बढ़ते हैं, अगला मैच है रेडियंस रॉयल गढ़ी एवं यंग स्टार बैयर के मध्य में सेकेंड सेमीफाइनल मैच। जी हाँ, जैसे कि यंग स्टार बैयर ने पहले टॉस जीता है, क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया, वहीं आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए रेडियंस रॉयल गढ़ी को, और किसी दर्शक की गाड़ी की चाबी हम तक पहुंची है। जो भी दर्शक की चाबी होगी गाड़ी की, वे आकर डीजे मैन सचिन अनर्थे से ले लें। जिस किसी भी दर्शक की गाड़ी की चाबी घूमी है वे डीजे मैन सचिन अनर्थे जी के पास आकर अपनी चाबी ले ले। चलिए इस वक्त सेकंड सेमीफाइनल मैच चलता हुआ, यंग स्टार बैयर वर्सेस रेडियंट रॉयल गढ़ी के मध्य। चलिए पहली गेंद, अच्छी गेंद जाने दिया सिद्दीकीपर के दस्तानों पर,
बीपीएल सीजन 10 टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार 11वां दिन और 11वें दिन का सेकंड सेमीफाइनल मैच चलता हुआ यंग स्टार बैहर वर्सेस रेडियंट्स रॉयल गढ़ी के मध्य। शानदार गेंद निश्चित ही डॉट कराने पर सफल। इस वक्त जगह बनाकर खेला गया शॉट, फील्डर है टीका वहां पर मौजूद। जब तक फील्डर फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला और एक रन के सहारे टीम का खाता खोला है। इस वक्त स्ट्राइक पर हैं राजू खान और नॉन स्ट्राइक पर हैं जिशान खान रेडियंट्स रॉयल गढ़ी के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज, और गेंदबाजी पर हैं स्टार खिलाड़ी मिस्टर बॉबी यादव। इसी बीच हौले हौले कदमों से रिवर्स कर खेलना चाहते थे, बल्ले का हल्का सा एज लगा था, अगर कीपर गैदर करते तो निश्चित ही पहले विकेट का पतन होता राजू खान के रूप में, लेकिन ड्रॉप हुआ है कैच। चलिए इसी बीच अगली गेंद, फुल टॉस गेंद हवे पर है, फील्डर है मौजूद, जी हां वापस जाना होगा, पहले विकेट का पतन होता हुआ। जी हां एक रनों पर लगने वाला पहला झटका राजू खान के रूप में। बैट्समैन अगर राजेंद्र हो तो हाथ दिखा दे, धन्यवाद राजेंद्र। जहां इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में प्रवेश करते हुए मिस्टर राजेंद्र, चलिए इस वक्त ओवर की समाप्ति का इशारा हम तक पहुंचा है, एक ओवर की समाप्ति पर एक रन एक विकेट के नुकसान पर रेडियंट्स रॉयल गढ़ी आज अपना सेमीफाइनल मैच खेलती हुई, क्वार्टर फाइनल पर शानदार परफॉर्मेंस दिखाया था रेडियंट्स रॉयल गढ़ी ने और सेमीफाइनल तक पहुंची है आज यंग स्टार बैहर के साथ आज सेमीफाइनल चलता हुआ। इसके पहले जो मैच हुआ था बैहर मोबाइल वर्सेस कदम नाइट राइडर्स के मध्य, शानदार जीत अर्जित करी बैहर मोबाइल ने और फाइनल पर प्रवेश करी है। इसी बीच गेंदबाजी पर आए हैं मिस्टर डॉन चंदू 10 नंबर की जर्सी पहने हुए। इस वक्त हल्के हाथों से सम्मान देते हुए मिस्टर जिशान जो कि मेहमान खिलाड़ी।
इस वक्त जगह बनाकर शॉट खेला फाइन लेग की तरफ, लेकिन फील्डर है मौजूद टीकम, जब तक फील्डर फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया। अच्छी गेंद टपकाने के बाद अंदर की ओर आती हुई, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। बीपीएल सीजन 10 बैहर प्रीमियर लीग टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार 11वें दिन का दूसरा सेमीफाइनल मैच यंग स्टार बैहर वर्सेस रेडियंट्स रॉयल के मध्य। इस वक्त पैडल स्वीप खेला था बल्लेबाज ने, लेकिन फील्डर है मौजूद छोटू अनर्थ, जब तक फील्डर फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया। और इस वक्त रिवर्स कर खेला शॉट, निश्चित ही 4 रनों के लिए बाउंड्री रेखा के बाहर। और बहुत ही शानदार बाउंड्री लगाई मिस्टर जीशान ने। रन लेने का प्रयास किया था, मना किया यहां पर बल्लेबाज जीशान ने। और जी हां, यहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड और उसका पूरा फायदा उठाया दोनों ही बल्लेबाजों ने, दौड़कर एक रन पूरा किया। और जीशान के बारे में बता दूं, फैजाबाद यूपी से हैं खिलाड़ी, उत्तर प्रदेश से अपनी सेवाएं देने के लिए आए हैं रेडियंट रॉयल घड़ी की टीम में। और तारीफ करनी होगी बीपीएल परिवार की, जिन्होंने एक ही मंच पर पूरे भारतवर्ष से यहां पर एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों को एक ही मंच पर लाकर सजाया है। मेहमान खिलाड़ी के रूप में अपनी भूमिका दे रहे हैं। पिछले मैच में बहुत गजब की बल्लेबाजी दिखाई थी मिस्टर जीशान ने, कंसिस्टेंट प्लेयर नजर आते हैं, लेदर बॉल के स्पेशलिस्ट नजर आते हैं, उसी हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं टेनिस में। जी हाँ, इस समय ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस समय रेडियंट रॉयल गढ़ी। और गेंदबाजी पर इस समय मिस्टर बॉबी, जिनके फॉलोअर्स हजारों में लाखों में आपको इंस्टाग्राम पर दिखाई दे सकते हैं। अच्छा शॉट खेला पाजी, उस और मौजूद, ओ पाजी तुसी ग्रेट हो जी। अच्छा क्षेत्र रक्षण पाजी के द्वारा यहां पर निश्चित ही अपनी टीम के लिए बहुमूल्य 4 रन बचाए, बहुत ही एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाया था पाजी पवित। और जी हाँ, यहां पर चंदू डॉन के हाथों पर बहुत ही बड़ी सफलता, यहां पर दोनों हाथों से कैच किया, उस कैच को गैदर किया, जाना होगा जीशान को थोड़े से निराश होंगे इस समय। दूसरी सफलता मिलती हुई यहां पर यंग स्टार बैहर को। हेलो, और बॉबी के बारे में बता दूं, दूसरा ओवर अभी गेंदबाजी कर रहे हैं उनके स्पेल के, और 2 सफलताएं ले चुके हैं। तारीफ करनी होगी इस स्थानीय खिलाड़ी के, मिस्टर बॉबी, बड़े मैच का बड़ा सितारा इस समय अपनी उपयोगिता जाहिर करते हुए मिस्टर बॉबी। और प्रवीण तेकाम आ गए हैं, जी हाँ पिंटू के नाम से जाने जाते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी, स्थानीय खिलाड़ी हैं, लेकिन इस समय कंडीशन उनके लिए अप्लाई नहीं है अभी, बहुत ही नजर जमाने की आवश्यकता, अच्छी बल्लेबाजी दिखानी होगी दोनों ही बल्लेबाजों, दोनों ही खिलाड़ी स्थानीय खिलाड़ी इस समय क्रीज पर।
अच्छी गेंदबाजी। इस समय बॉबी के द्वारा 2.5 गेंदों का खेल खेला जा चुका है। इस समय 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर रेडियंट रॉयल गढ़ी। पैडल स्वीप का इस्तेमाल यहां पर बल्लेबाज के द्वारा, लेकिन बाउंड्री के रूप में यहां पर तब्दील नहीं कर पाया। 1 रन अच्छी बात। ओवर की समाप्ति 10 ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस समय रेडियंट रॉयल गढ़ी। जी हां, इस बीपीएल सीजन 10 की शानदार झलकियां यहां पर कि बीपीएल सीजन स्टार्ट कैसे हुआ और अपने चरम पर कैसे पहुंच रहा, अगर आपको इसकी सारी झलकियां देखना है तो ठाकरे पिंटू एस पर जाएं, इंस्टाग्राम पर जाएं और उस पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और इसकी पूरी बीपीएल सीजन 10 की आप झलकियां देख सकते हैं। जी हाँ, लो स्कोरिंग मैच की संभावनाएं जताई जा रही है। मौसम के मिजाज में थोड़ी सी तब्दीली, चेंजिंग, बदलाव नजर आ रहा है और हॉस्टल की ओर तेज गति से हवाएं चल रही और उस ओर अनुकूल परिस्थितियां जरूर बल्लेबाजी की नजर आ रही है। चंदू डॉन के नाम से जाने जाते हैं मिस्टर चंद्र प्रकाश वलके। 10 नंबर की जर्सी पर लंबे चौड़े कद के खिलाड़ी मिस्टर चंदू गेंदबाजी पर और बल्लेबाजी पर मिस्टर राजेंद्र। एक पार्टनरशिप की आवश्यकता है, साझेदारी बनानी होगी दोनों ही बल्लेबाज को। बड़े शॉट की कोशिश की थी लेकिन गेंद थी ऑफ स्टंप के बिल्कुल करीब से, जाने दिया विकेटकीपर के दस्तानों पर। रन बनाने की गुंजाइश को सिरे से खारिज किया। सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, बहुत ही रोमांचक। और ऑफ स्टंप से बिल्कुल बाहर की तरफ और एम्पायर ने समझा पड़ा और पंछी की तरह बाहों को फैलाकर व्हाइट बॉल का इशारा। एक और अतिरिक्त के रूप में एक और रनों का इजाफा, 11 यानी 11 दो विकेट के नुकसान पर इस समय रेडियंट रॉयल गढ़ी। बेहतरीन मैच और बेहतरीन दर्शक भारी तादाद में इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए, और क्यों ना हो क्योंकि बीपीएल सीजन 10 का सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। एक तरफ यंग स्टार बैयार, दूसरी तरफ रेडियंट रॉयल गढ़ी। आगे के लिए जय भाई। जय, इस वक्त हमें जो बाउंड्री रोप प्रदान की गई है कृषि कल्याण केंद्र श्री नवनीत राणा जी के माध्यम से, बैयर मोबाइल शॉप श्री राजेश वीके जी की ओर से, माही एकेडमी श्री विजय डाबर सर जी की ओर से आप सभी का धन्यवाद। लेकिन इस वक्त हवे पर है गेंद और अनिकेत राउत है नीचे, वापस जाना होगा। दूसरे विकेट का पतन, तीसरे विकेट का पतन होता हुआ। जहां इस वक्त रेडियंट रॉयल गढ़ी के कप्तान और मेहमान खिलाड़ी गोपी पटेल मैदान के अंदर प्रवेश करते हुए, और इस टूर्नामेंट पर सभी दर्शकों की और सभी खिलाड़ियों की ग्राउंड की जो फोटो कैप्चर हो रही है और भी स्टूडियो के माध्यम से, उसके प्रोपराइटर हैं सम्मानित श्री पिंटू ठाकरे जी। इस वक्त हल्के हाथों से खेला था और रन के लिए चाहते थे, नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज ने मना किया। अभी भी स्कोर थमा हुआ, 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर रेडियंस रॉयल गढ़ी। शानदार सेमीफाइनल मैच चलता हुआ। जी हां, सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा
कि पिछले साल की सीजन 9 की रनर अप टीम है येलो जर्सी पर यंग स्टार बैयर। और वहीं बैयर मोबाइल जो कि पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन अभी भी फाइनल के पायदान पर जाकर बैठ चुकी है। चलिए इस वक्त पुनः गेंदबाजी पर नजर आ रहे हैं मिस्टर बॉबी यादव जो कि एसडीएम एंड से गेंदबाजी का भार संभालेंगे। वहीं सामना करेंगे राजेंद्र। चलिए हौले हौले कदमों से बॉबी। चलिए इस वक्त हल्के हाथों से खेला शॉट और रन के लिए दौड़ पड़े हैं दोनों ही बल्लेबाज काफी तेज हैं राजेंद्र और गोपी। आज कप्तान के कंधों पर जिम्मेदारी गोपी पटेल जो कि रेडियंट्स रॉयल गढ़ी के कप्तान हैं जैसे कि टॉस के समय बोला है कि 120 प्लस का स्कोर हम देना चाहेंगे वैसी बल्लेबाजी करना होगा आज अच्छी बल्लेबाजी करना होगा। इस वक्त पैडल स्वीप खेला है लेकिन फील्डर है मौजूद चंदू जब तक फील्डर फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया और धीरे धीरे रन गति बढ़ती हुई 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर जबकि पांचवा ओवर प्रगति पर बॉबी यादव के रूप में। पुनः स्वीप कर खेलना चाहते थे बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं निश्चित ही डॉट कराने पर सफल अनिकेत राउत की बात की जाए जो कि मेहमान खिलाड़ी यंग स्टार बैयर के लिए विकेट के पीछों से एमएस धोनी की भूमिका निभाते हैं अपनी टीम के लिए शानदार खेल चलाते हैं अनिकेत राउत विकेट के पीछे से। इस वक्त पुनः स्वीप कर खेला है लेकिन फील्डर है मौजूद जब तक फील्डर फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया। और अगली आवाज भाई मदस्सर। अच्छी गेंद इस अच्छी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति पर 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर बॉबी के स्पेल की समाप्ति हुई। 3 ओवर गेंदबाजी करी बॉबी ने 7 रन देकर 2 बड़ी सफलताएं उनके खाते में दर्ज की गई है। तो एक अच्छी गेंदबाजी कर अपना स्पेल समाप्त किया मिस्टर बॉबी ने। जी हां 5 ओवर की समाप्ति 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय रेडियंट रॉयल गढ़ी। वहीं दूसरी तरफ यंग स्टार बैहर जिसमें मेहमान खिलाड़ी एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों का समावेश। जी हां मिस्टर आदर्श जो कि जबलपुर से हैं महाकौशल क्षेत्र से हैं वहीं प्रीतम बारी मुंबई आशीष गौतम इंदौर और चौथे खिलाड़ी मिस्टर अनिकेत राउत जो कि ये भी मुंबई से हैं बहुत बड़ी टीम यहां पर यंग स्टार बैहर की। वहीं दूसरी तरफ रेडियंट रॉयल गढ़ी में मिस्टर जीसान जो कि फैजाबाद यूपी से मिस्टर बंटी यूपी से
मिस्टर गोपी पटेल जो कि छत्तीसगढ़ हैदरी इलेवन के खिलाड़ी हैं, और राहुल सोलंकी वो भी यूपी उत्तर प्रदेश से मथुरा के हैं। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों का यहां पर समावेश इस बीपीएल सीजन 10 पर देखा जा रहा है। और जी हां, इसी बीच गेंदबाजी में थोड़ी सी तब्दीली देखने को नजर आ रही है। मिस्टर आदर्श 12 नंबर की जर्सी पर कमेंट्री एंड से गेंदबाजी करने आया है मिस्टर आदर्श। अच्छी पार्टनरशिप की आवश्यकता है चूंकि इस समय और जी हां अंतिम समय पर अपने पैरों को लाए थे, अन्यथा ये गेंद फिर से यहां पर स्टंप की ओर लगती और गिल्ली गिरती, चौथे विकेट का पतन होता। लेकिन अच्छी बात के अभी भी सेफ जोन में है मिस्टर गोपी, और गोपी ही है एक ऐसे खिलाड़ी जो रेडिएंट रॉयल की कश्ती को मजधार से बचा सकते हैं। यहां पर मल्लाह का काम करना होगा मिस्टर गोपी को। अच्छी गेंद, फुलटास, लगभग फुलटास की मानिंद गेंद थी, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई तालमेल नहीं, कोई कनेक्टिविटी नहीं, जिसकी बदौलत के बाउंड्री के रूप में तब्दील नहीं कर पाए मिस्टर गोपी पटेल। इस समय हमारे साथ जय भाई भी बैठे हुए हैं और समय समय पर अपनी कमेंट्री वो भी दर्ज कराते हैं। अच्छी गेंद, चेंज ऑफ पेस का इस्तेमाल, यहां पर फ्लाइटेड डिलीवरी करी थी, यहां पर चकमा देने में कामयाब मिस्टर आदर्श। मिसफील्ड, खामियाजा एक रन के रूप में भुगतना पड़ेगा, और रेडिएंट रॉयल के डगआउट में उनके कोच, उनके ऑनर भी कहे जाते हैं मिस्टर सम्माननीय रंजीत बैस जी भी बैठे हुए हैं, और थोड़े से चिंता की लकीरें जरूर दिख रही है। लेकिन दोनों ही बल्लेबाज अच्छे बल्लेबाज हैं, जरूर अपनी इस कश्ती को मजदार से निकाल कर ले जाएंगे। और विशेषकर अगर गोपी 4 से 5 ओवर खेल लेते हैं तो फिर एक बड़ा स्कोर, फाइटिंग स्कोर आपको जरूर देखने को मिलेगा। शानदार शॉट इस बार सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए, छका 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 सिक्स, एक हाथ से अगर कैच पकड़ा तो अपना नाम जरूर दर्ज कराएं यहां पर। जी हां, और ये जो राशि दी जाएगी ₹200 की राशि, से प्रदान की जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर अगर कोई भी दर्शक कैच पकड़ता है तो। जी हाँ, चौथे विकेट का पतन, वापस जाना होगा राजेंद्र को, लगातार विकेटों का पतन हो रहा है। महज 23 रन की स्कोर पर चौथा विकेट गवा दिया है रेडिएंट रॉयल घड़ी ने। जी हाँ, इस समय 6 ओवर की समाप्ति, 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज अगर हर्ष हो तो अपना हाथ दिखा दें, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।
छह ओवर की समाप्ति 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर इस समय रन गति जो है 3.83। और अगर इसी हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं तो जो प्रोजेक्टेड स्कोर दिखा रहा है 57 रन पर जरूर पहुंच जाएगी, लेकिन इतने रन बिल्कुल काफी नहीं होंगे। एक पहाड़ नुमा लक्ष्य की ओर अग्रसर होना होगा रेडिएंट रॉयल घड़ी को। लगातार विकेटों के पतन हो रहे हैं, इसी मानिंद के बल्लेबाज बिल्कुल सेट नहीं हो पा रहे हैं। एक पार्टनरशिप कंसिस्टेंसी टेम्परामेंट दिखाना होगा दोनों ही बल्लेबाज को। यहां से अच्छी बल्लेबाजी करना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को, क्योंकि एक समझदारी भरी बल्लेबाजी करना होगा। अच्छी गेंद इस समय अनिकेत राउत की, बल्लेबाज मिस्टर हर्ष कुसरे जिन्होंने जाने दिया। स्कोर इस समय 24 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि 6.3 गेंदों का खेल खेला जा चुका है। हेलो, हल्के हाथों से सिर्फ डिप किया और सिंगल लेने में कामयाब बल्लेबाज। खाता भी खोला है अपना हर्ष कुसरे ने। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर 25 4 विकेट के नुकसान पर। रन गति इस समय 3.75 और प्रोजेक्टेड स्कोर 56 रन। अच्छी बल्लेबाजी दिखानी होगी, बेहतरीन बल्लेबाजी की दरकार, और धीरे धीरे ओवर भी अपनी छलांग लगाता हुआ। ये एक दबाव रहता है जो कि जो बल्लेबाज शुरू में आते हैं सलामी जोड़ी, उन बल्लेबाजों की वजह से बाद के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को जो दबाव झेलना पड़ता है। और ऊंची उठी गेंद, खिलाड़ी उसके नीचे, जी हाँ, पांचवी सफलता। गोपी पटेल को भी वापस जाना होगा यहां पर। बल्लेबाज अगर बंटी खान हो तो बल्ला दिखा दें, शुक्रिया। 25 पे 5 यानी 25 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस समय 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 7 ओवर की समाप्ति पर 25 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज मिस्टर जीसान जिन्होंने 10 गेंदों का सामना किया, 7 रन बनाए।
वापस जा चुके हैं मिस्टर राजू खान, जिन्होंने दो गेंदों का सामना किया, खाता भी नहीं खोले और वापस जा चुके हैं। राजेंद्र यादव 12 गेंदों पर 11 रन, इन्होंने ठीक ठाक बल्लेबाजी करी, एक छक्का जरूर लगाया था। उसके बाद पिंटू तेकाम, जिससे काफ़ी उम्मीदें थी, उन्होंने भी अपना कुछ खास अहमियत नहीं दे पाए, दो गेंदों पर एक रन बनाकर वापस। और अभी अभी इसके पहले जिनसे सारी उम्मीदें थी, 13 गेंदों पर 4 रन बनाकर वापस जा चुके हैं मिस्टर गोपी पटेल। अब आए हैं बंटी खान, ये भी मेहमान खिलाड़ी हैं, उत्तर प्रदेश से हैं भैया, उत्तर प्रदेश से हैं, अपना उत्तर दीजिए बढ़िया। 25 रन बन चुके हैं टीम के, 5 विकेटों का नुकसान हो चुका है। और आदर्श शानदार गोलंदाजी पेश करते हुए यहाँ पर उंगलियों का जादू दिखाते हैं मेहमान खिलाड़ी, जो कि विशेषकर गेंदबाज रहते हैं, उंगलियां फेरने में माहिर रहते हैं। इस बार भी उंगली फेरी थी, और जी हाँ, आदर्श सिंह अपने स्पेल का दूसरा और इस पारी का 8वां ओवर लेकर आए हैं। इस समय स्कोर बोर्ड पर 25 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और वहीं यंग स्टार के ऑनर हैं सम्मानी नरेंद्र सिंह राजपूत जी, और बल्ले का आउटसाइड एज जरूर लगा था। आप सभी को बता देना चाहेंगे, यंग स्टार के ऑनर का भी यहां पर आगमन हो चुका है, सम्मानी श्री नरेंद्र सिंह राजपूत जी मंच पर मंचासीन है। सीधे बल्ले से शॉट खेला यहां पर लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, फील्डर यहां पर मौजूद आशीष गौतम, और इस सिंगल के जरिए इसको 26-26 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और आज का ये दूसरा सेमीफाइनल मैच इस संस्करण में रेडिएंट रॉयल्स गढ़ी एवं यंग स्टार भैयर के मध्य में, और वहीं उतनी अच्छी गेंदबाजी इस समय यंग स्टार के गेंदबाज कर रहे हैं आदर्श सिंह, जो कि मेहमान खिलाड़ी हैं, और सामने मेहमान खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से बंटी खान। फुल टॉस गेंद, लेग स्टंप की गेंद, लेग साइड की दिशा में शॉट, और ये छह रन के लिए कैच का प्रयास जरूर किया था, कैच भी पकड़ा लेकिन बाउंड्री लाइन को छू गए, छक्का। टीकम है यहां पर फील्डर, कैच जरूर हुआ था लेकिन बाउंड्री लाइन को छू गए, और इस तरह टीम का स्कोर 32-32 रन। सीधे बल्ले से ग्राउंड शॉट मिड ऑन क्षेत्र में, ये शॉट और सिंगल लेने से नहीं रोक पाएंगी बल्लेबाज को, और इस ओवर की समाप्ति का इशारा हम तक पहुंचा। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 33-33 रन 5 विकेट के नुकसान पर। लगभग आधी टीम पेविलियन हेल लौट चुकी है आराम करते हुए, आधी टीम बाकी है, कई बड़े बल्लेबाज भी अभी आना बाकी हैं रेडिएंट रॉयल्स गढ़ी के, और देखना है इन 15 ओवर 90 गेंदों में कितने रन जुटा पाती है। और जी हाँ, इंस्टा पर फॉलो करें ठाकरे पिंटू, फॉलो करें और भैयर मोबाइल का ये मैच, जो भैयर मोबाइल कल फाइनल में शिरकत की है। एक इनामी घोषणा है यंग स्टार के लिए, यदि घड़ी को 50 रन पर अलाउट कर देती है तो नरेंद्र सिंह राजपूत जी यंग स्टार के ऑनर, उनकी ओर से 5100 रुपए की पुरस्कार राशि। जी हाँ, 5100 रुपए की पुरस्कार राशि नरेंद्र सिंह राजपूत जी के द्वारा यंग स्टार के ऑनर, और यंग स्टार घड़ी को यदि 50 रनों पर अलाउट कर देती है तो 5100 रुपए पुरस्कार है। अगली गेंद अनिकेत राउत,
लेग स्टंप की गेंद पैरों से लगी और चूंकि लेग बाई और लेग बाई जैसा कोई प्रावधान नहीं और नौवा ओवर इस समय घटता हुआ बीतता हुआ अनिकेत राउत के रूप में रिवर्स शिफ्ट शॉट खेला है। ऑफ स्टंप की गेंद थी और गैप तलाशा है यहां पर चार रनों के लिए खेल दिया है बल्लेबाज बंटी। हेलो और आज देखा जाए तो सही मायने में इम्तिहान है खिलाड़ी का। आज यहां से जो खिलाड़ी बिल्कुल इस समय 37-5 विकेट के नुकसान पर रेडिएंट रॉयल गढ़ी। आज अगर गढ़ी की टीम से कोई भी खिलाड़ी मजदार से निकालता है तो कई सीजन तक याद किया जाएगा गढ़ी के लिए, क्योंकि इस समय कंडीशन बहुत ही खराब चल रही है रेडिएंट रॉयल गढ़ी की। 5 विकेट गवा चुके हैं। अच्छा शॉट हल्के हाथों से डिप किया, फील्डर वहां मौजूद थे आदर्श, एक रन बनाया। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ चला है 38-5 विकेट के नुकसान पर, जबकि 8.5 गेंदों का खेल खेला जा चुका है, यानी 53 गेंदों का खेल खेला जा चुका है। इस समय रन सिर्फ 38 बने हैं और जबकि 5 बड़े बड़े विकेट उन्होंने अपने गंवा दिए हैं। और जी हाँ, इस समय आप सामने देख रहे हैं हर्ष कुसरे स्ट्राइक हैंड पर हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज, सामना करेंगे अनिकेत राउत का और एक साझेदारी की तलाश यहां पर रेडिएंट रॉयल के ये बल्लेबाज हर्ष एवं बंटी खान, ये अभी डटे हुए हैं अपनी टीम के लिए और अभी काफ़ी ओवर आने शेष हैं। और अगली गेंद अनिकेत राउत होले होले कदमों से सीधे बल्ले से घूम के लेग साइड की दिशा में यह शॉट लगाया, 6 रनों के लिए खेल दिया बल्लेबाज ने। और जी हाँ, ओवर की समाप्ति का इशारा हम तक पहुंचा। 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 44 रन 5 विकेट के नुकसान पर, रन रेट 4.89 का चलता हुआ। हर्ष पिछली गेंद में छक्का लगाया, 8 गेंदों का सामना किया है, 8 रन बनाकर खेल रहे। वही बंटी खान 7 गेंदों में 1 चौका 1 छक्का लगाकर ला 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। और वहीं गेंदबाज प्रीतम है तो हाथ दिखा दें। जी हाँ प्रीतम, बारी आए हैं, प्रीतम की बारी आ गई है। प्रीतम अपने स्पेल का पहला और इस पारी का 10वां ओवर लेकर आए हैं, सामना करेंगे बंटी खान। और जी हाँ, इंस्टाग्राम इंस्टा पर फॉलो कीजिए ठाकरे पिंटू और वे डिजिटल स्टूडियो, और इनके माध्यम से जो इन्होंने ठाकरे पिंटू को फॉलो करें और उसमें शुरुआत से लेके पहले सीजन से लेके इस 10वें संस्करण तक जितने भी पिक्चर हैं उसका आप दर्शन करें। इस पारी के अंतिम 6 ओवर शेष हैं, ये 10वां ओवर प्रीतम के रूप में और प्रीतम होले होले कदमों से बंटी खान के लिए। और जी हाँ, इस BPL सीजन 10 मुख्य प्रायोजक की भूमिका निभा रहे हैं सम्मानीय श्री सुनील धारवे जी, नगर परिषद उपाध्यक्ष पैयर।
आउट स्विंग हुई टप खाने के बाद। औजिया सह प्रायोजक की भूमिका निभा रहे हैं सम्मानीय श्री शशांक पटले जी, गणेश एंटरप्राइजेस, और मुख्य प्रायोजक सम्मानीय सुनील धारवे जी। आपकी ओर से विजेता टीम को 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि और वहीं शशांक पटले जी की ओर से उप विजेता टीम को 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि। सीधे बल्ले से बॉल हवे में है और अनिकेत विकेट के पीछे। और बंटी 11 गेंदों का सामना किया 12 रन बनाकर लौटते हुए 44 रनों पर छठवां झटका, 10वां ओवर प्रगति पर। एक और मेहमान खिलाड़ी इस समय क्रीज पर मौजूद हो रहे हैं, मिस्टर राहुल सोलंकी, जो कि मथुरा यूपी से हैं, लेकिन अब रन तो बनाने ही पड़ेंगे, आप कहीं से भी हो रनों की आवश्यकता है। जी हाँ, राहुल सोलंकी आए हैं और जैसा कि मुदस्सिर भाई ने बताया कि मथुरा यूपी से बिलोंग करते हैं मेहमान खिलाड़ी, और 10वां ओवर प्रगति पर। प्रीतम एक सफलता पिछली गेंद में दिलाई बंटी खान के रूप में। और प्रीतम हौले हौले कदमों से प्रीतम राहुल के लिए, और वापस जाना होगा राहुल को। लेग स्टंप में जाकर लगी है गेंद और मथुरावासी को वापस करते हुए गेंदबाज। और समय समय पर शानदार संगीत की प्रस्तुति, मैचिंग म्यूजिक बजाते हैं मिस्टर सचिन, डीजे सचिन। और आप लाइव इसे श्याम यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। लाइव प्रायोजक हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बालाहाट, मैन ऑफ द सीरीज 21,000 रुपये पुरस्कार राशि माननीय विधायक महोदय श्री संजय वीके जी द्वारा। बल्लेबाज का नाम बता देंगे, बल्लेबाज का नाम गोलू, हैट्रिक चांस यहां प्रीतम के लिए। जा वाइट गेंद, लेग स्टंप के थोड़ा बाहर गेंद, और हैट्रिक चांस अभी भी बरकरार। बाहरी मेहमान खिलाड़ी, मैन ऑफ द सीरीज 11,000 रुपये पुरस्कार राशि, और प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक रतन स्पोर्ट्स बालाहाट, विजेता एवं उपविजेता कप अतुल ज्वेलर्स बैयर से सम्मानित श्री अतुल सोनी जी द्वारा दिया जा रहा है। हैट्रिक चांस, प्रीतम के लिए। और ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 45-45, 7 विकेट के नुकसान पर। गोलू खाता खोलने की दरकार है, हर्ष कुसरे 8 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रहे हैं, और वेन्यू स्पॉन्सर सुराना ज्वेलर्स बालाहाट, बाउंड्री रोप के प्रायोजक माही एकेडमी बैयर, बैयर मोबाइल शॉप बैयर, नवनीत राणा जी, कृषि कल्याण केंद्र बैयर, इंटरनेट प्रोवाइडर BTV इंटरनेट, BTV केबल नेटवर्क, विशेष सहयोगी जैन इलेक्ट्रॉनिक्स, साईनाथ स्पोर्ट्स, बालाजी ट्रेडर्स, SK मार्ट, गव्या टाइल्स, गुरुदेव मेंसवेयर, बैयर मोबाइल, रमा ग्लास बैयर, माही कलेक्शन, केयर पॉइंट, मयूर धामेजा जी, आलिशान लॉन बैयर।
और गेंदबाजी हैंड पर मिस्टर आदर्श सिंह आए अपने स्पेल का अंतिम तीसरा और इस पारी का 11वां ओवर लेकर आए हैं और सामना करेंगे हर्ष बाएं हाथ के गेंदबाज और वहीं बैयर मोबाइल के ऑनर है राजेश वीके जी एसपीयू बालाहाट सरदार पटेल यूनिवर्सिटी इस टीम के ऑनर हैं सम्माननीय श्री दिवाकर सिंह जी। टाइगर 11 के ऑनर सम्माननीय दानिश खान जी सुमेर सिंह पुशाम जी और वहीं कदम नाइट राइडर्स के ऑनर शिवम भाटिया जी शुभम पांडे जी गेम सिंगर रुकवा के ऑनर राजेश रंगडाले जी और पटकी हुई गेंद थी लेग साइड की दिशा में शॉट लगाया है और 6 रनों के लिए खेल दिया है पहली गेंद में 6 रनों से स्वागत किया है। और इस छक्के के सहारे सगुन के 51 रन तो 50 रन तो क्रॉस कर गई है रेडियन रॉयल्स गढ़ी 51 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद वेल लेफ्ट जाने दिया लेकिन ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर और वाइड करार दी गई निर्णायक महोदय द्वारा और इस एक अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर 51 के बाद 52 रन 7 विकेट के नुकसान पर। इस समय पुनः एक्शन रिप्ले ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर वाइड गेंद करार दी गई और 52 के बाद 53 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और वहीं एमवी ब्लास्टर के ऑनर सम्माननीय विहान सेल्स बालाहाट मिथिलेश यादव जी मलाजखंड डायनामाइट के ऑनर नितिन परिहार जी अगली गेंद का पुनः सामना करेंगे हर्ष कुसरे जी स्ट्राइक हैंड पर हल्के हाथों से खेला धीमी गति की गेंद थी ये मना किया रन के लिए नॉन स्ट्राइक हैंड के बल्लेबाज गोलू ने। रिवर्स शिप शॉट खेला है खिलाड़ी यहां पर मौजूद हैं और आदर्श सिंह ने सफलता दिलाई 8वें विकेट का पतन हो चला है हर्ष कुसरे। रेडियंट रॉयल्स गढ़ी के ऑनर है सम्माननीय श्री राम कुसरे जी किंग्स 40 बैयर 40 मकान इसके ऑनर है राजू बंजारा जी राजा भोज 11 सुभाष विसेन जी और बबलू गौतम जी। बल्लेबाज का नाम बता देंगे बल्लेबाज का नाम उमा शंकर जी हाँ उमा शंकर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आदर्श सिंह अब तक 2 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं इस समय 11वां ओवर प्रगति पर है 53-8 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद 4 ओवर और आने शेष हैं देखना है ये पूरे 15 ओवर खेल पाएगी नहीं खेल पाएगी। माही आर्मी मोगांव के ऑनर सम्माननीय श्री विजय डाबर सर यंग स्टार बैयर के ऑनर सम्माननीय नरेंद्र सिंह राजपूत जी एवं गोलू कुरवेती जी। ऑल स्टार लांजी के ऑनर सम्माननीय योगेश
जुझार जी, वाराश्विनी फाइटर के ऑनर अलमास पटेल जी, राजकुमार पाचे जी, और वहीं नानू इलेवन परसवाड़ा के ऑनर नानू सर्राटे जी, सेंकी नारंग जी, और वहीं किंग्स इलेवन भैयर के ऑनर सम्मानी धर्मेंद्र धुर्वे जी। 11 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 53, 53 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 4 ओवर आने से इस समय रेडिएंट रॉयल घड़ी। फिर से एक बार प्रीतम बारी, मेहमान खिलाड़ी मुंबई से हैं, और मुझे लगता है अगर यहां से यंग स्टार भैयर जीतती है तो एज इट इज सीजन 9 के अनुसार हो जाएगा कि दोनों ही टीम फिर से फाइनल में प्रवेश करेगी। लेकिन क्रिकेट जो है वो है अनिश्चितताओं का खेल। लो स्कोरिंग मैच होने की पूरी संभावना है, लेकिन अभी भी उस स्कोर तक नहीं पहुंच सकी है टीम। लेग स्टंप से काफी बाहर की तरफ, नतीजा वाइट के रूप में भुगतना पड़ेगा और अतिरिक्त एक रन दर्ज किए जाएंगे सिंगल के साथ 54। नायाब हीरा बनाया है कुदरत ने हर किसी को, चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरा हो। तो एक हीरे की माफिक खेलना होगा दोनों ही बल्लेबाज को, चमक दिखानी होगी रेडिएंट रॉयल घड़ी के अंतिम समय पर दोनों ही खिलाड़ी को। चलिए, वाइट गेंद करार दी गई, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी, और इस एक अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर 55, 55 8 विकेट के नुकसान पर। प्रीतम बारी सब पर भारी नजर आ रहे हैं। यहां पर प्रीतम बारी बहुत तेज गति से, उसी तेज स्पीड के साथ यहां पर वेरिएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत खतरनाक हो जाते हैं गेंदबाज। ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर गेंद जा रही थी, इसे दिशा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। और बिना देखे ही जिस तरह का बल्ला लॉन्ग ऑन क्षेत्र में शॉट लगाने का प्रयास, टप खाने के बाद ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर से आउट स्विंग हुई गेंद, और प्रीतम भारी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय। मात्र 3 रन दिया है अभी तक अपने स्पेल का दूसरा, और 12वां ओवर कर रहे हैं और 2 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं इस समय प्रीतम। सामने गोलू, खाता खोलने की दरकार। इस समय कवर की दिशा से शॉट जाता हुआ और सिंगल से खाता खोला है मिस्टर गोलू, और दोनों ही सीनियर खिलाड़ी मिस्टर गोलू कुरवेती और छोटू अनर्थे जी काफी मुस्कुरा रहे हैं, इशारा भी कर रहे हैं एक-एक से, और बिल्कुल कैमरे में दर्ज उनकी मुस्कुराहट हुई है, कुछ इशारा कर रहे हैं आपस में सतीश भाई, और हैप्पी डेंट वाइट चबा रहे हैं दांतों की चमक। गजब की गेंद मुदशीर, देखिए टप खाने के बाद थोड़ा बाउंस जरूर हुई थी, और कीपर के दस्तानों में काफी अच्छी गेंदबाजी, अभी तक यंग स्टार के गेंदबाजों के द्वारा ज्यादा हाथ खुलने का मौका नहीं दे रहे हैं रेडिएंट रॉयल्स घड़ी के बल्लेबाजों को। अंतिम 2 विकेट चटकाने हैं। और डीजे संगीत में साथ देते हुए डीजे मैन मिस्टर सचिन, डीजे डीजे नहीं तो ऐसा में लेग स्टंप के थोड़ा बाहर, वाइड गेंद का इशारा पहुंचा निर्णायक महोदय का, दोनों हाथों को पंछी की तरह फैलाकर, और इस एक अतिरिक्त रन के साथ टीम के स्कोर में इजाफा 57, 57 8 विकेट के नुकसान पर। वहीं सामने उमा शंकर है, खाता खोलने की दरकार उमा शंकर को।
एक बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, बल्ले का उतना संपर्क नहीं है और स्क्वायर लेग क्षेत्र में ये शॉट, सिंगल से खाता खोला उमा शंकर ने और इस सिंगल के सहारे 57 के बाद 58 आठ विकेट के नुकसान पर, जबकि 12वां ओवर प्रगति पर। सीधे बल्ले से ग्राउंड शॉट खेला है मिड ऑफ क्षेत्र में, गोलू कुरवेती हैं, अच्छी फील्ड यहां पर। ओवर की समाप्ति का इशारा हम तक पहुंचा, 12 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 59-59 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 3 ओवर आने से है, 18 गेंदें, इन 18 गेंदों में देखना है और कितने रन जुटा पाती रेडियंट रॉयल्स गढ़ी। और वहीं प्रीतम अपने स्पेल के 2 ओवर में मात्र 7 रन देकर 2 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं। आदर्श सिंह अपने स्पेल के 3 ओवर में 23 रन देकर 2 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं। अनिकेत राउत आए हैं गेंदबाजी में, अनिकेत राउत 13वां ओवर लेकर आए हैं इस पारी का। अनिकेत राउत अपने स्पेल का अंतिम 3रा और इस पारी का 13वां ओवर लेकर और सामने है बल्लेबाज गोलू। अब स्कोर बढ़ाने के लिए कुछ लंबे हिट जरूर ट्राई करने होंगे। वाइड गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी और इस एक अतिरिक्त रन के साथ टीम के स्कोर में इजाफा 60-60 रन। हटकर जगह तलाशी, पॉइंट की दिशा में शॉट लगाया, ग्राउंड से लगकर खिलाड़ी दौड़कर फील्ड करते और एक रन में तब्दील किया गोलू ने इस शॉट को और इस सिंगल के सहारे स्कोर 61-61 आठ विकेट के नुकसान पर। अब जरा थोड़े हाथ खोलना होगा मुदस्सिर, इन बल्लेबाजों को रनों की गति को बढ़ाना होगा। और अजीब तरह का शॉट, स्वीप शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे, पैरों से लगी गेंद, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। सीधे बल्ले से खेला है शॉट, यहां वन बाउंस, चंद्रशेखर चंदू डॉन मौजूद हैं, जब तक फील्ड करते थ्रो करते एक रन में तब्दील किया इस शॉट को उमा शंकर ने और स्कोर जा चला है 61 के बाद स्कोर 62-62 13वां ओवर प्रगति पर। अपने फॉलो थ्रो में फील्ड किया अनिकेत, रनों की गुंजाइश को खत्म किया गोलू के लिए, स्ट्राइक हैंड में मौजूद हैं, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। अब तक अच्छी गेंदबाजी यंग स्टार के गेंदबाजों के द्वारा। और सीधे बल्ले से शॉट, सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इस समय दिशा से भटके बहुत ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप के और वाइड गेंद करार दी गई। इस मैच में निर्णायक भूमिका निभाते हुए रोहित जी एवं सावंत जी,
और स्कोर 64-64 आठ विकेट के नुकसान पर। रिवर्स शेप शॉट खेला है, फील्डर यहां पर मौजूद प्रफुल्ल है और शानदार फील्ड, अपने शरीर को भी संभाला और गेंद को भी संभाला, शानदार फील्ड। 13 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 64-64 रन आठ विकेट के नुकसान पर। अंतिम दो ओवर आने से 12 गेंदे, इन 12 गेंदों में देखना है मुदस्सिर कितने रन जुटा पाते हैं दोनों बल्लेबाज। अंतिम 12 गेंदों का खेल बाकी, इस 12 गेंदों में अगर 20 रन भी जुटा लिए तो बहुत रन हो जाएंगे उनकी टीम के लिए, लगभग 84 रन पहुंच जाएगी। लेकिन इस समय 64 रन पर रुका हुआ स्कोर आठ विकेट के नुकसान पर 13 ओवर की समाप्ति। रेडिएंट रॉयल घड़ी आज अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिली, कुछ खास नहीं कर पाए उनके मेहमान खिलाड़ी, एक के बाद एक वापस डगआउट लौट चुके हैं और बिल्कुल पछतावा जरूर हो रहा होगा लेकिन अब पछता के क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। काफी लंबे समय से इंतजार में है मिस्टर रंजीत बैस जी की टीम फाइनल पहुंचे और उस फाइनल को जीते, लेकिन काफी कोशिश करते हैं हर साल नया वेरिएशन दिखाते हैं लेकिन खिलाड़ियों पे काफी मेहनत करते हैं लेकिन उनके खिलाड़ी और कैच ड्रॉप किया है यहां गोलू कुरवेती ने, एक जीवन दान मिला गोलू को। और सतीश मां साहब जी वो कैच इसलिए छूटा क्योंकि वो लगातार छोटू अनर्थी की ओर देख रहे थे, वो एक इशारा करना है समझ में नहीं आ रहा, वो कैमरे में जरूर दर्ज हो रहा इशारा लेकिन वो समझ नहीं आ रहा। अच्छे खिलाड़ी गोलू कुरवेती, कैच क्या है छूटते रहते हैं लेकिन उनकी मुस्कुराहट समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़े हैं यहां पर छोटू अनर्थी थी उनके। चलिए अगली गेंद प्रीतम की, फिलहाल 66, हल्के हाथों से खेला अपने फॉलो थ्रो में गए और यह थ्रो भी मारा है प्रीतम भारी ने, वापस जाना होगा गोलू को रन आउट होकर वापस लौटते हुए मिस्टर गोलू, 10 गेंदों में 5 रन बनाकर लौटते हुए 9वें विकेट का पतन। पूरी तरह से प्योर प्लेयर नजर आ रहे हैं मिस्टर प्रीतम भारी, सप्पर भारी पूरा योगदान देते हुए बल्लेबाजी गेंदबाजी क्षेत्ररक्षक सभी की भूमिका पूरी तरह से निभाते हुए मिस्टर प्रीतम भारी। इस समय एक ही स्टंप दिखाई दे रहा था उस पर भी उन्होंने निशाना लगाया और वापस भेजा गोलू को। अंतिम जोड़ी इस समय मैदान पर तामेश्वर करने के लिए आए हैं मिस्टर तामेश्वर, अंतिम जोड़ी मैदान में 14 ओवर प्रगति पर। प्रीतम अच्छी गेंदबाजी इस समय और इसके बाद एक ओवर और आना शेष है। और कल इस टूर्नामेंट यानी VPL सीजन टीज का मेगा फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस समय स्कोर 66 पर रुका हुआ, अगली गेंद का सामना करेंगे उमा शंकर। प्रीतम हौले हौले कदमों से
मना किया नॉन स्ट्राइक हैंड के बल्लेबाज तामेश्वर ने अंतिम जोड़ी मैदान में। प्रीतम बारी जिनका स्पेल अभी समाप्त हो चुका है, तीन ओवर गेंदबाजी करी, महज 9 रन देकर दो सफलताएं अर्जित कर चुके हैं प्रीतम बारी। अंतिम 6 गेंदों का खेल आना बाकी, इस समय 66 रन 9 विकेट के नुकसान पर रेडिएंट रॉयल गढ़ी। अनिकेत राउत जिन्होंने 3 ओवर गेंदबाजी करी, 18 रन देकर एक सफलता अर्जित करी। उमा शंकर 12 गेंदों पर 3 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अभी अभी क्रीज पर आए हैं तामेश्वर। करंट रन रेट इस समय 4.71। अंतिम ओवर लेकर चंदू चंद्रशेखर वलके, चंदू डॉन के नाम से प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध, एज लगा था यहां पर एक रन चुराया और इस सिंगल के साथ 67 9 विकेट के नुकसान पर रेडिएंट रॉयल गढ़ी। और हमारे बीच सम्माननीय संजय विके जी विधायक भैयर का आगमन हो चुका है। हम बीपीएल परिवार सभी खेल प्रेमी सभी खिलाड़ियों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं अपना अमूल्य समय निकालकर इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई, आपका हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करते हैं सम्मानी संजय विके जी विधायक बैहर। और हमारे बीच विधायक जी उपस्थित हो चुके हैं और अच्छा शॉट डाउन द ग्राउंड खेला, कारपेट के सारे फील्डर मौजूद, एक ही रन मिल पाएगा। और एक इसे कोइंसिडेंस बोले या इत्तेफाक बोले, जब भी रंजीत भैया का मैच रहता है हमारे विधायक जी जरूर उपस्थित होते हैं और ये कोइंसिडेंस है या इत्तेफाक है। और अभी मैच का लुत्फ उठा रहे अंतिम गेंद, और इसी के साथ ऑल आउट हो चुकी है टीम। 70 रन बनाई है, 71 रनों का लक्ष्य मिल चंद मिनटों चंद लम्हों के बाद फिर से पुनः हाजिर होंगे इस ग्राउंड पर। कुणाल जहां कहीं भी हो मंच के करीब में आने की आने का कुणाल शिकारी जहां कहीं भी हो मंच की ओर आने की कृपा करें। कुणाल शिकारी आपके पिता ढूंढ रहे हैं।
और आप सभी को बता देना चाहेंगे हमारे बीच सिराज अख्तर जी का आगमन हो चुका है। कमेटी की ओर से आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, और आप मंच पर मंचासीन होने की कृपा करें। और आप सभी को बता देना चाहूँगा आज के दिन इस संस्करण में और आज के सेकंड सेमीफाइनल मैच में हमारे बीच माननीय विधायक महोदय श्री संजय वीके जी उपस्थित हैं, और कमेटी आप दोनों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। निर्णायक महोदय ध्यान देवें, समय का विशेष ध्यान रखा जावे। हम सुबह से ही थोड़ा लेट चल रहे हैं और अगली पारी यहां संपन्न कराना है। दोनों ही निर्णायक महोदय अति शीघ्र मैदान के अंदर प्रवेश करें। यंग स्टार के बल्लेबाज आ जाए, बॉल चेक कर ले, ऑनर छोटे ऑनर थे, ध्यान दें, आ जाए।
और आप सभी को बता देना चाहेंगे यंग स्टार भैयर के ऑनर सम्मानी श्री नरेंद्र सिंह राजपूत जी हैं, और वहीं ऑनर की भूमिका सह कप्तान की भूमिका निभा रहे हैं चंद्रशेखर मिस्टर छोटू अनर्ते जी, और वहीं रेडियंट रॉयल्स गढ़ी के ऑनर सम्मानीय श्री राम कुसरे जी। और वहीं भैयर मोबाइल के ऑनर सम्मानीय श्री राजेश वीके जी, एसपीयू सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बालाहाट 11, और इनके ऑनर है सम्मानीय श्री दिवाकर सिंह जी। टाइगर 11 के ऑनर सम्मानीय दानिश खान जी एवं सुमेर सिंह पुशाम जी। कदम नाइट राइडर्स के ऑनर सम्मानीय शिवम भाटिया जी और सम्मानीय श्री शुभम पांडे जी। गेम सिंगर रुकवा के ऑनर सम्मानीय श्री राजेश रांगडाले जी। एमवी ब्लास्टर के ऑनर सम्मानीय मिथिलेश यादव जी, विहान सेल्स बालाहाट। मलाजखंड डायनामाइट के ऑनर सम्मानीय नितिन परिहार जी। वहीं किंग्स 40 भैयर के ऑनर सम्मानीय राजू बंजारा जी। राजा भोज 11 के ऑनर सम्मानीय सुभाष विसेन जी, बबलू गौतम जी। और वहीं माही आर्मी मोगांव के ऑनर सम्मानीय एडिशनल एसपी विजय डाबर सर। ऑल स्टार लांजी के ऑनर सम्मानीय योगेश जुजहार जी। वाराश्विनी फाइटर के ऑनर अलमास पटेल जी एवं राजकुमार पाचे जी। और वहीं नानू 11 परसवाड़ा के ऑनर सम्मानीय नानू सर्राटे जी, सैंकी नारंग जी। और वहीं किंग्स 11 भैयर के ऑनर धर्मेंद्र दुर्वे जी। बॉलर अगर राहुल सोलंकी हो तो हाथ दिखा दें, धन्यवाद। चलिए सेकंड इनिंग प्रारंभ होती हुई, और जी हाँ, लक्ष्य है 15 ओवर 90 गेंदों में 71 रनों का यंग स्टार भैयर के लिए। और सामने मिस्टर बॉबी, और नॉन स्ट्राइक हैंड पर सलामी बल्लेबाज के रूप में मिस्टर अनिकेत राउत, और गेंदबाजी पर राहुल सोलंकी। मेहमान खिलाड़ी हल्के हाथों से खेला इस शॉट को, और सिंगल से खाता खोला है मिस्टर बॉबी ने। राहुल सोलंकी जो कि मेहमान खिलाड़ी हैं, आप सभी को बता देना चाहेंगे, मथुरा यूपी से बिलोंग करते हैं मिस्टर राहुल सोलंकी। और वहीं अनिकेत राउत इस समय स्ट्राइक हैंड में हैं, सलामी बल्लेबाज हैं, पहली गेंद का सामना करेंगे, खाता खोलने की दरकार है, और ये मेहमान खिलाड़ी हैं। अगली गेंद इस बीच हल्के हाथों से खेला, लेकिन फील्डर काफी तेज है यहां पर। फिलहाल स्कोर 1 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर यहां राहुल सोलंकी के रूप में, और अनिकेत राउत अगली गेंद का सामना करेंगे। कलाइयों के सहारे लेग स्टंप की गेंद हल्के हाथों से खेला, और सिंगल के सहारे खाता खोल लिया है अनिकेत राउत ने, और सिंगल के सहारे स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के। हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, बॉल बल्ले से जरूर लगी, लेकिन गेंदबाज के पास उतना मौका नहीं कि गेंद तक पहुंचे। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। इस वक्त भैयर की इस पावन धरा पर बीपीएल सीजन 10 भैयर प्रीमियर लीग टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट सेकेंड सेमीफाइनल मैच। अगली गेंद इस बीच वाइट गेंद करार, वाइट गेंद करार दी गई है। और इस तरह एक अतिरिक्त रन, और इस एक अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर 3 रन। बिना किसी नुकसान के अगली गेंद के लिए पुनः तैयार राहुल सोलंकी।
और ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर 3 रन बिना किसी नुकसान के। और गेंदबाजी हैंड पर, क्या गोपी पटेल ने हाथ दिखा दे? जी हाँ, गोपी पटेल अपने स्पेल का पहला और इस पारी का दूसरा ओवर लेकर आए मिस्टर गोपी पटेल। इस सब कमेंट्री बॉक्स में मैं सतीश मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए लाइव दर्शक सभी 16 टीम के ऑनर और मंच पर मंचासीन अतिथि गणों का और सभी दर्शक दीर्घा में बैठे दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। हटकर शॉट लगाया लेकिन उतनी अच्छी फील्ड कही जाएगी यहाँ क्षेत्ररक्षण टीम के खिलाड़ी के द्वारा। रनों की गुंजाइश को खत्म किया अनिकेत के लिए। लो स्कोरिंग मैच और तगड़ा मुकाबला दोनों। रिवर्स स्वीप शॉट के लिए पहले ही मन बना लिया था और थर्ड मैन की दिशा में 6 रनों के लिए खेल दिया अनिकेत राउत। स्कोर इस छक्के के सहारे 9 रन। अगली गेंद सीधे बल्ले से खेला 38 सर्कल के बाहर से मिड ऑफ क्षेत्र में और फील्डर यहां दौड़ रहे हैं लेकिन उनकी पहुंच से दूर 4 रनों के लिए 54। और इस 94 के सहारे टीम का स्कोर 13 रन बिना किसी नुकसान के और मैगी साबित होते हुए मिस्टर गोपी पटेल। जी हाँ, इस समय गेंद डिलीवर नहीं की, थोड़ा परेशानी गेंदबाज को। इस समय स्कोर 13 रन रुका हुआ। और जी हाँ, इस बीपीएल सीजन 10 में मुख्य प्रायोजक की भूमिका निभा रहे हैं सम्मानित श्री सुनील धारवे जी, नगर परिषद उपाध्यक्ष भैयर। रिवर्स स्वीप शॉट खेलने का प्रयास, पैर से लगी गेंद चूंकि लेग बाई। और सह प्रायोजक की भूमिका निभा रहे हैं सम्मानित श्री शशांक पटले जी, गणेश इंटरप्राइजेस। और वहीं लाइव आप यूट्यूब पर देख सक रहे हैं इसे श्याम यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सीधे बल्ले दोनों तरफ से शॉट खेल रहे हैं भाई भाई बॉबी, आपका भी मौका आएगा, आप भी जाएंगे स्ट्राइक हैंड में। डॉट गेंद, कोई रन नहीं। और लाइव प्रायोजक हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बालाघाट, स्थानीय मैन ऑफ द सीरीज 21,000 रुपये पुरस्कार राशि माननीय विधायक महोदय श्री संजय वीके जी द्वारा। सीधे बल्ले से ग्राउंड हवा में कुछ देर शॉट जरूर है मिड ऑफ क्षेत्र में, फील्डर जाकर फील्ड की, अच्छी फील्ड कही जाएगी। और 2 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। ओवर की समाप्ति का इशारा हम तक पहुंचा तो ओवर की समाप्ति पर स्कोर 15 रन बिना किसी नुकसान के। अब अंतिम 13 ओवर शेष हैं, 78 गेंदें, 56 रनों की आवश्यकता है यह मैच जीतने के लिए। भारी मेहमान खिलाड़ी के लिए मैन ऑफ द सीरीज 11,000 रुपये पुरस्कार राशि। वहीं प्रत्येक मैच में जो मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है उसके प्रायोजक है रतन स्पोर्ट्स बालाघाट,
विजेता एवं उपविजेता का कप दिया जा रहा है अतुल ज्वेलर्स भैयर से सम्मानित श्री अतुल सोनी जी द्वारा, और वेन्यू स्पॉन्सर सुराना ज्वेलर्स बालाहाट, बाउंड्री रोप के प्रायोजक माही एकेडमी भैयर, भैयर मोबाइल शॉप भैयर एवं कृषि कल्याण केंद्र भैयर से सम्माननीय नरेंद्र राणा जी। बॉलर अगर बंटी खान हो तो हाथ दिखा दे, बॉलर अगर बंटी खान हो तो हाथ दिखा दे। बंटी खान है यहाँ गेंदबाज, लेग स्टंप की गेंद कलायुग सारे खेला इसे, थ्रो में थोड़ा लेट हुए, पहले जिस छोर में थ्रो करना चाह रहे थे उन्हें अंतिम समय में निर्णय बदलना पड़ा और थ्रो भी थोड़ा लेट, और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य में। स्कोर 16 रन। और जी हाँ, विकेट का पतन यहां पर अनिकेत, 10 गेंदों का सामना किया, 13 रन बनाकर लौटते हुए, और उनका स्थान लेने बल्लेबाज मैदान के अंदर रेड कैप लगाए हुए मिस्टर चंदू चंद्रशेखर प्रीतम बारी नए बल्लेबाज प्रीतम बारी तो प्रीतम धारी। हाइट उसी तरह से दिख रही थी, नजरों का धोखा, लेकिन प्रीतम की बारी आ गई है अब बल्लेबाजी में। इंटरनेट प्रोवाइडर बीटीवी इंटरनेट, बीटीवी केबल नेटवर्क, वहीं विशेष सहयोगी की भूमिका निभा रहे जैल इलेक्ट्रॉनिक्स भैयर, साईनाथ स्पोर्ट्स, बालाजी ट्रेडर्स, एसके मार्ट, गव्या ट्रेडर्स, गुरुदेव मेंसवेयर, भैयर मोबाइल, रमा ग्लास भैयर, माही कलेक्शन, केयर पॉइंट, मयूर धामेजा जी, आलिशान लॉन। अगली गेंद ऑफ स्टंप की गेंद, हल्के हाथों से इसे खेला और सिंगल से खाता खोला है प्रीतम ने। 16 के बाद 17 रन एक विकेट के नुकसान पर, और क्या 17 का खतरा हो सकता है देखना है। सामने है मिस्टर बॉबी, स्ट्राइक हैंड पर सामना करेंगे बंटी खान का, बंटी जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं, मेहमान खिलाड़ी हैं। हल्के हाथों से खेला और अठारह रन 17 के बाद इस सिंगल के सहारे, और तीसरा ओवर प्रगति पर, और प्रीतम है सामने स्ट्राइक हैंड पर इस समय मौजूद। सीधे बल्ले से और बल्ले की जो आवाज आई है देखना है काफी ऊंची, लेकिन जाना होगा प्रीतम को, प्रीतम पे भारी बंटी खान। प्रीतम 2 गेंदों का सामना किया, 1 रन बनाकर लौट चुके हैं, और उनका स्थान लेने आ रहे हैं स्थानीय खिलाड़ी बल्लेबाज
ओए पापे मिस्टर अवनीत सिंह। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बंटी खान अपने स्पेल के एक ओवर में 3 रन खर्च करके 2 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं। और क्या होता है, ये समय के गर्भ में छुपा है। क्या मैच जल्दी खत्म होगा या अंतिम ओवर तक जाएगा, कौन जीतेगा अभी बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, समय के गर्भ में छुपा हुआ है। दूसरा सेमीफाइनल मैच, और जो जीतेगा फाइनल में प्रवेश कर गया है। वहीं पहले सेमीफाइनल मैच में बैयर मोबाइल 11 जीत दर्ज करके फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। और जी हाँ, इस BPL के पहले संस्करण से लेके इस 10वें संस्करण की जितनी भी लाइव तस्वीरें और जितना भी कुछ घटा है पहले संस्करण से लेके अब तक, आप इंस्टाग्राम पर ठाकरे पिंटू फॉलो करें और लाइव पिक्चर देखें। पेन साइड एज जरूर लगा था और उसके बाद पैरों से लगी गेंद, भाग्यशाली रहे बॉबी हैं इस समय स्ट्राइक हैंड पर। तब खाने के बाद थोड़ा अंदर आई और बाउंस भी था गेंद में, बल्लेबाज के शरीर से लगी गेंद। 70 गेंदों में 53 रनों की आवश्यकता यह मैच जीतने के लिए, और अंतिम 8 विकेट चटकाना होगा रेडिएंट रॉयल्स घड़ी को। हल्के हाथों से खेला है, फील्डर की पहुंच से दूर है ये शॉट, लेकिन जब तक दौड़ते फील्ड करते थोड़ा खासे नाराज नजर आ रहे हैं विकेट के पीछे विकेट कीपर। जल्दी प्रयास करना था ऐसा कह रहे थे, स्टार्ट लें इस तरह का कह रहे हैं मैदान के अंदर। और सिंगल चुराने में कामयाब हुए मिस्टर बॉबी, और सिंगल के सहारे स्कोर 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि चौथा ओवर प्रगति पर। और निश्चित रूप से इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में कमेटी के सभी मेंबर्स तारीफ के काबिल। अच्छी फील्ड शॉट में खड़े खिलाड़ी के द्वारा, सामने है अवनीत, खाता खोलने की दरकार है, अभी अभी आए हैं नए बल्लेबाज। और दर्शकों, दर्शक दीर्घा में थोड़ा कोलाहल शोर होता हुआ, सारे के सारे इस मैच में नजरें जमाए हुए। अगली गेंद सीधी सीधी गेंद और एक तरह से सम्मान दिया अवनीत सिंह ने। फिलहाल गेंदबाज ने थोड़ा रोका है बल्लेबाज को, और इस समय अगली गेंद हले कदमों से सीधी सीधी गेंद, बहुत प्यारी गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर की समाप्ति का इशारा पहुंचा निर्णायक महोदय सावन जी का, और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इस मैच में निर्णायक भूमिका निभाते हुए सम्मानीय सावन गर्ग जी एवं रोहित जी, काफी मैचों का इन्हें अनुभव। राहुल सोलंकी अपने स्पेल के 2 ओवर कर चुके हैं, 2 ओवर में 4 रन दिया है, कोई सफलता अर्जित नहीं की, लेकिन बहुत कंजूसी भरा ओवर राहुल सोलंकी का। वहीं बंटी खान भी काफी अच्छा ओवर कर चुके हैं। अब गेंदबाजी हैंड पर, बॉलर्स नेम बता देंगे, तामेश्वर।
पार्किंग में, तबेले के पीछे, मार्केट के बीच में, कॉलेज कॉरिडोर में, भारत में हम लोग किसी भी गली मोहल्ले को क्रिकेट का स्टेडियम बना देते हैं। But now is the time to get the game off the streets into the और जी हाँ, इंस्टा पर ठाकरे पिंटू फॉलो करें और पहले संस्करण से लेके 10वें संस्करण तक बीपीएल की सभी तस्वीरें और लाइव वीडियो देखें इंस्टा पर। और अवनीत पहले निकल चुके थे, काफी आगे आ चुके थे, कोई कॉल नहीं किया था और एक दूसरे को दोष देते हुए अवनीत काफ़ी आगे आ चुके थे और वापस जाने का उतना मौका नहीं था, काफ़ी लगभग 7 से 8 कदम लगभग आगे आ चुके थे। तीसरे विकेट का पतन अवनीत के रूप में। अवनीत 3 गेंदों का सामना किया, खाता नहीं खोल पाए, वापस लौट चुके हैं और उनका स्थान लेने देखना है कौन बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रवेश करते हैं। टीकम अल करे लाइट कलर की कैप लगाए हुए टीकम मैदान के अंदर प्रवेश कर गए हैं। स्थानीय खिलाड़ी इस समय और सामने है टामेश्वर। हल्के हाथों से खेला और लो स्कोरिंग मैच है लेकिन मैच में बहुत आनंद आ रहा है, जिस तरह शुरुआती 3 झटके दे चुकी हैं रेडिएंट रॉयल्स गढ़ी। धड़कने संभाल के सीधे बल्ले से खेला है मिड ऑफ क्षेत्र में ये शॉट और उतनी अच्छी फील्ड कही जाएगी खिलाड़ी के द्वारा। 2 रन में तब्दील किया इस शॉट को और इस 2 रन के सहारे 21-21 रन हो चला है टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि 5वां ओवर टामेश्वर के रूप में। सामने है मिस्टर बॉबी, घूमकर शॉट लगाया लेग साइड की दिशा में और 6 रन देकर जाएगा यह शॉट बॉबी के बल्ले से, छक्का। और इस छक्के के सहारे टीम का स्कोर 27-27 3 विकेट के नुकसान पर। 62 गेंदे 44 रनों की आवश्यकता यह मैच जीतने के लिए। सीधे बल्ले से अपने फील्डर, थोड़ा फंबल, थोड़ा मिसफील्ड जरूर, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मिस्टर बॉबी को और इस सिंगल के सहारे स्कोर 28-28 3 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर एक बड़ा शॉट खेला है टीकम ने और 1 बाउंस 4 रनों के लिए, खाता खोला 4 रनों से। हेलो हेलो, ये जो गढ़ी के डगआउट पर दर्शक बैठे हैं थोड़ा पीछे हो जाए बाउंड्री से, बाउंड्री से पीछे हो जाए थोड़ा, गढ़ी के डगआउट पर जो बैठे हैं दर्शक, तोमर जी वहां से थोड़ा पीछे हो जाएं, पीछे करवा लें थोड़ा जी। हाँ, सहयोग प्रदान करें और
पांच ओवर की समाप्ति पर स्कोर इस समय 32-32 रन तीन विकेट के नुकसान पर, और अंतिम 10 ओवर आने शेष हैं। इन 60 गेंदों में 39 रनों की आवश्यकता यह मैच जीतने के लिए यंग स्टार को, और वहीं अंतिम 7 विकेट चटकाने होंगे रेडियंट रॉयल्स गढ़ी को। और क्या रेडियंट रॉयल्स गढ़ी के गेंदबाज ये कारनामा कर पाएंगे? गेंदबाजी में राहुल सोलंकी है तो हाथ दिखा दें। जी हाँ, राहुल सोलंकी अपने स्पेल का अंतिम तीसरा और इस पारी का छठवां ओवर लेकर आए हैं। लेग स्टंप की गेंद और इसे खेलने का प्रयास कर रहे थे, पैरों से लगी गेंद। विकेट की तलाश करते हुए गेंदबाज, सीधा सीधा खेला शॉट, हल्के हाथों से एक तरह से सम्मान दिया, अपने ही था फॉलो थ्रो में फील्ड किया गेंदबाज ने। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इस वक्त भैयर की इस पावन धरा पर बीपीएल सीजन 10 भैयर प्रीमियर लीग टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। अगली गेंद इस बीच हल्के हाथों से खेला, यहां हर गेंद में जो क्राउड है, दर्शक हैं, कोलाहल सा सुनने मिलता है। और ये अगली गेंद और ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर थे, इसे मिड विकेट क्षेत्र में शॉट लगाया है बैटकर, सिंगल लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को इस शॉट के जरिए, और इस सिंगल के सहारे स्कोर हो चला है। जादुई आंकड़ा 333 समझ जाइए, 333 रन तीन विकेट के नुकसान पर, जबकि छठवां ओवर प्रगति पर। अब सामने मिस्टर टीकम, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन गेंदबाज की तारीफ करना होगा यहाँ पर। टप खाने के बाद थोड़ा आउट स्विंग हुई गेंद, ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर से एक गेंद कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। अगली गेंद ओवर की समाप्ति का इशारा हम तक पहुंचा, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 333 रन तीन विकेट के नुकसान पर, रन रेट 5.50 का चलता हुआ। अब अंतिम 9 ओवर शेष है, 54 गेंदे 38 रनों की आवश्यकता यह मैच जीतने के लिए, और इस समय बल्लेबाजी में टीकम एवं बॉबी मौजूद है। टीकम 3 गेंदों का सामना कर चुके, एक चौवा लगाया, 4 रन बनाकर खेल रहे हैं, वहीं बॉबी 18 गेंदों में एक छक्का लगाकर व्यक्तिगत स्कोर 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। और यहां विकेट की तलाश करते हुए रेडियंट रॉयल्स के गेंदबाज, और इस बीपीएल सीजन 10 में मुख्य प्रायोजक की भूमिका निभा रहे हैं सम्मानीय श्री सुनील धारवे जी, नगर परिषद उपाध्यक्ष भैयर, जिनकी ओर से प्रथम पुरस्कार राशि 2,00,000 रुपए, और कमेटी की ओर से हम माननीय विधायक महोदय जी का धन्यवाद और आभार देना चाहेंगे। समय निकालकर आप हमारे इस आयोजन में पधारे, और साथ में सिराज अख्तर जी का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कमेटी की ओर से, और साथ में नवनीत राणा जी, आपका भी धन्यवाद और आभार देना चाहेंगे कमेटी की ओर से। अगली गेंद इस बीच लेग स्टंप की गेंद, कलाइयों के सहारे खेला इसे शॉट और एक थ्रो, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित। बॉबी कह रहे हैं टीकम को कि अच्छी थोड़ा सा तेज दौड़े। स्कोर 34-34 तीन विकेट के नुकसान पर, 7वां ओवर प्रगति पर। और कल अंग्रेजी साल का अंतिम दिवस है कल, और बोल्ड कर दिया है यहां टीकम को बंटी खान ने, चौंतीस रन चार विकेट के नुकसान पर। अभी अभी टीकम वापस जाते हुए और उनका स्थान लेने मेहमान खिलाड़ी मैदान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं मिस्टर आदर्श सिंह। जबलपुर से मेहमान खिलाड़ी मिस्टर आदर्श सिंह,
और अंग्रेजी कैलेंडर का कल अंतिम दिवस है 31 दिसंबर और कल ठीक 12 बजे फाइनल मैच। तो बैयर मोबाइल 11 तो जगह बना चुकी है, अब ये दोनों टीम के मध्य में जंग चल रही है, रेडिएंट रॉयल्स गढ़ी और यंग स्टार के मध्य में, और जो जीता फाइनल में प्रवेश करेगा और बैयर मोबाइल से उनकी टक्कर होगी कल ठीक 12 बजे। आदर्श सिंह है सामने नए बल्लेबाज, खाता खोलने की दरकार है, सामना करेंगे बंटी खान मेहमान खिलाड़ी यूपी से, और थोड़ा फील्डिंग में चित्र रक्षण में बदलाव करते हुए बावन गेंदों में 37 37 रनों की आवश्यकता। सामने है आदर्श, बैठकर शॉट लगाने का प्रयास, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, यहां गेंदकीपर के दस्तानों में। गढ़ी के डगआउट पर एक दर्शक पैर रखा है बाउंड्री पर, वहां से अलग कर लें आप, गढ़ी के डगआउट पर पैर रखें अपने बाउंड्री में अलग करें। खिलाड़ी और ऑनर ही रहे डगआउट पर, बाकी मंच के समक्ष आ जाएं, ध्यान दे गढ़ी के डगआउट पर। मिड विकेट की गेंद, हल्के हाथों से खेला ये शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर यहां पर मौजूद, एक रन से खाता खोला है मिस्टर आदर्श ने, और इस सिंगल के सहारे स्कोर 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और वहीं सातवां ओवर प्रगति पर बंटी खान के रूप में, सामने मिस्टर बॉबी अगली गेंद का सामना करेंगे, और टप खाने के बाद थोड़ा बाहर गई गेंद ये कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय बंटी खान, और खास इन्हें लाया गया है विकेट लेने के लिए, और उसी का प्रयास करते हुए गेंदबाज। लेग स्टंप की गेंद, केवल बल्ला लगाया, यार्कर लाइन की गेंद थी लगभग ये, और बल्लेबाज सुरक्षित। यहां ओवर की समाप्ति का इशारा हम तक पहुंचा, 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 8 ओवर शेष हैं और इन 48 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता है यह मैच जीतने के लिए, और अंतिम 6 विकेट की दरकार है रेडिएंट रॉयल्स गढ़ी को। बूम, जय, कुछ समय के लिए अगली आवाज आपकी होगी मिस्टर जय मिश्रा। धन्यवाद भैया। चलिए इस वक्त कमेंट्री एंड से गेंदबाजी का भार संभाले मिस्टर गोपी पटेल, जो कि रेडियंस रॉयल गढ़ी के कप्तान हैं, 12 नंबर की जर्सी पहने हुए। वहीं सामना करेंगे रेड कैप लगाए हुए मिस्टर आदर्श, जो कि मेहमान खिलाड़ी, दोनों ही आइकॉन प्लेयर आमने सामने। भिड़त होगी, अब शानदार भिड़त देखने मिलेगी सभी दर्शकों को। एक आइकॉन बॉलर गोपी पटेल, वहीं एक बैट्समैन आदर्श। चलिए हले हले कदमों से गोपी पटेल सामना करेंगे आदर्श। इस वक्त सीधे बल्ले से खेला शॉट, हवे पर गेंद निश्चित ही 6 रनों के लिए बाउंड्री रेखा के बाहर।
शानदार बल्लेबाजी चलती हुई। गोपी पटेल जो कि महंगे साबित हो रहे, 1.1 बॉल फेंका है, अब तक 18 रन खर्च कर चुके हैं, कोई सफलता हाथ नहीं लगी गोपी पटेल के। इस वक्त पैरों पर की थी गेंद लेकिन हल्के हाथों से कलाई के सहारे खेला गया शॉट, सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ेगा और इस सिंगल के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि 8वां ओवर प्रगति पर गोपी पटेल के रूप में। जो भी टीम यहां से जीतेगी कल बैहर मोबाइल के साथ उसका फाइनल मुकाबला होगा। इस वक्त जगह बनाकर खेला शॉट, हवे पर है गेंद लेकिन फील्डर से दूर, निश्चित ही सिंगल से ही संतुष्ट होना होगा। बॉबी यादव की बात की जाए तो एक स्टार खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, काफी धाकड़ धुरंधर शॉट खेलते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। बैठकर शॉट खेला गया फाइन लेग की दिशा पर लेकिन फील्डर है मौजूद, जब तक फील्डर फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया और सिंगल के सहारे जादुई आंकड़ा 444 समझ जाइए 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बॉबी यादव की बात की जाए तो 23 गेंदों का सामना किया है 16 रन बनाकर खेल रहे हैं, वहीं आदर्श 5 गेंदों का सामना किया है 9 रन बनाकर खेल रहे हैं, एक छोर संभाल कर रखा है बॉबी ने अपना और ऐसी बल्लेबाजी करनी होगी। जी हां, इस वक्त ओवर की समाप्ति का इशारा हम तक पहुंचा है, 8 ओवर की समाप्ति पर 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर यंग स्टार बैहर। गेंदबाजी पर पुनः नजर आते हुए बंटी खान जो कि चलिए बंटी इस वक्त एसडीएम एंड से वहीं सामना करेंगे आदर्श। जी हल्की सी अपील हुई है लेकिन लेग बाई है इसलिए सिरे से नकारा जाएगा, काफी अनुभवी एम्पायर आज के दोनों ही सम्माननीय श्री श्रावण गर्ग जी और सम्माननीय श्री रोहित चौहान जी जो कि बालाघाट से बिलोंग करते हैं, खास एम्पायरिंग के लिए बुलाए गए हैं, काफी अनुभव रोहित चौहान जी और गर्ग जी को। और जी हाँ, इस समय स्कोर की बात की जाए 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर 9वां ओवर 444 सीधे बल्ले से खेला है फील्डर, यहां पर मौजूद जरूर है मिड विकेट के क्षेत्र में ये शॉट आदर्श सिंह के बल्ले से और टीम का स्कोर 44 के बाद 45 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि 9वां ओवर प्रगति पर 40 गेंदे शेष है, 26 रनों की आवश्यकता यह मैच जीतने के लिए और अंतिम 6 विकेट चटकाने होंगे रेडिएंट रॉयल्स घड़ी को। सम्मान दिया, अच्छी गेंद यहाँ बॉबी अपनी टीम के लिए डटे हुए हैं, यंग स्टार के लिए 25 गेंदों का सामना किया है 16 रन बनाकर खेल रहे हैं इस समय।
लो स्कोरिंग मैच है, लक्ष्य है 71 71 रनों का। लेग स्टंप की गेंद शॉर्ट में, खड़े खिलाड़ी यहां पर फील्ड किया है रनों की गुंजाइश को खत्म किया बल्लेबाज के लिए। बंटी खान अभी तक 3 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं, पुनः विकेट की तलाश बंटी खान करते हुए। हल्के हाथों से खेला, थर्टी सेवन 37 गेंदे, 26 रनों की आवश्यकता यह मैच जीतने के लिए। और सभी दर्शक एक नंबर दो नंबर रोके इस मैच का आनंद ले रहे, नजरें जमाए हुए हैं। टॉस गेंद सीधा, केवल बल्ला लगाया, दिशा दिखाई, सिंगल इस गेंद में और स्ट्राइक अपने हाथ में रखेंगे मिस्टर बॉबी। और 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 46-46 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 6 ओवर आना शेष है, 36 गेंदे, 25 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए यंग स्टार को। और वहीं अंतिम 6 विकेट की दरकार यहां रेडियंट रॉयल्स घड़ी को। वे समय का विशेष ध्यान रखें, इस समय 4:46 हो चुका है और समय का विशेष ध्यान क्षेत्ररक्षण करने वाली टीम और सह एम्पायर भी ध्यान देवें। और गेंदबाजी पर आए हैं प्रवीण तेकाम अपने स्पेल का पहला और इस पारी का 10वां ओवर लेकर, और वहीं सामना करेंगे मिस्टर बॉबी। सफल किया और बॉबी ऑफ स्टंप की गेंद थी, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में शॉट लगाया था। उनतीस गेंदों में 17 रन बनाकर लौटते हुए मिस्टर बॉबी। और अगले बल्लेबाज धाकड़ धुरंधर बल्लेबाज मेहमान खिलाड़ी आशीष गौतम मैदान के अंदर प्रवेश करते हुए बल्लेबाजी में 46-46 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और जी हां, आशीष गौतम इंदौर से मेहमान खिलाड़ी हैं, इंदौर से बिलोंग करते हैं। प्रवीण तेकाम आते ही सफलता दिलाई है, पुनः विकेट की तलाश जरूर करेंगे क्योंकि एक बड़ा बल्लेबाज सामने है। आशीष गौतम अभी अभी आए हैं, पहली गेंद का सामना करेंगे। हल्के हाथों से खेला, नॉन स्ट्राइक हैंड के बल्लेबाज ने कॉल किया था और सिंगल चुरा लिया है यहाँ आशीष गौतम ने। और इस सिंगल के जरिए 47-47 रन 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि 10वां ओवर प्रगति पर। और इस समय आदर्श सिंह मौजूद हैं सामने स्ट्राइक एंड पर, 7 गेंदों में 1 छक्का लगाकर 10 रन व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं। सामना करेंगे प्रवीण तेकाम का। एक शॉट लगाने का प्रयास, आउटसाइड एज लगा, लेकिन पीछे विकेट के पीछे रनों की गुंजाइश को खत्म किया कीपर ने। इमरान भाई थोड़ा सा, इमरान और सामने आ गए थोड़ा सा ऐसे। और एक बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर थी गेंद, सीधा सीधा शॉट लगाने का प्रयास,
लेकिन अच्छी गेंदबाजी प्रवीण तेकाम, 32 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर थे, फुल टॉस गेंद और इसे मिड विकेट क्षेत्र में खेला है और मिस फील्ड यहां 4 रनों के लिए। चौवा महंगे और इस चौवे के सहारे 51-51 5 विकेट के नुकसान पर। सफल किया थोड़ा हाथ रोका था बल्लेबाजी में, तेज नहीं चलाया था और 4 ओवर की समाप्ति का इशारा हम तक पहुंचा। 10 ओवर की समाप्ति पर 51 के बाद 52, 5 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 5 ओवर शेष हैं, 30 गेंदें, 19 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। टाटा जी हाँ, 10 ओवर की समाप्ति पर 52 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 5 ओवर से 30 गेंदें, 19 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। आप देख रहे हैं रेडिएंट रॉयल्स गढ़ी के कप्तान किसे, जी हाँ गोपी पटेल को गेंदबाजी में लाया गया है। गोपी पटेल अपने स्पेल का अंतिम तीसरा और इस पारी का 11वां ओवर लेकर आए हैं और कप्तान ने गेंदबाजी का भार इन्हें सौंपा है विकेट की तलाश करते हुए, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज हैं आदर्श सिंह और आशीष गौतम, मेहमान खिलाड़ी और बड़े खिलाड़ी हैं। सर कप्तान खुद गोपी पटेल हैं आज। जी बिल्कुल, इस समय ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी गेंद, वाइड गेंद का इशारा पहुंचा है और इस एक अतिरिक्त रन के साथ 53-53 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। 30 गेंदों में 18 रन की आवश्यकता। सीधी सीधी गेंद हल्के हाथों से खेला, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य में, सिंगल पूरा कर लिया और सिंगल के जरिए 53 के बाद 54, 54 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। 29 गेंदों में 17 रन की आवश्यकता। सामने आशीष गौतम और यहां विकेट की तलाश करते हुए मिस्टर गोपी पटेल। लेग स्टंप की गेंद लेग साइड की दिशा में, शॉर्ट फील्डर यहां पर मौजूद हैं, सिंगल लेने से नहीं रोक पाएंगे। जादुई आंकड़ा 555 समझ जाइए, 55 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। 28 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता। हटकर शॉट लगाया है कवर की दिशा से और मिस फील्ड, 4 रनों के लिए चौवा। फिफ्टी 59-59, 5 विकेट के नुकसान पर। अब 12 रनों की आवश्यकता, 27 गेंदें और जिस तरह की फील्डिंग की बात की जाए रेडिएंट रॉयल्स तो उतनी अच्छी फील्ड का नज़ारा नहीं कर रहे हैं। और कैच ड्रॉप किया है यहां पर, एक चांस जरूर था आदर्श सिंह के रूप में, हाथ में चिपकी जरूर थी लेकिन अंतिम समय में बस ये कैच पकड़ते तो शायद मैच का रुख कुछ और रहता।
फिलहाल 60 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और मिड विकेट क्षेत्र में शॉट खेला है 6 रनों के लिए आशीष गौतम। छियासठ 5 विकेट के नुकसान पर अब मात्र 5 रनों की आवश्यकता 25 गेंदें। गोल गोल रानी इतना इतना पानी 2 रन 1 ही रन लिया इस गेंद में। ओवर की समाप्ति 11 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 67 67 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 4 ओवर मतलब 24 गेंदे शेष और मात्र 4 रन की आवश्यकता। हर ओवर में 1 रन भी बनाते हैं तो ये मैच जीत रहे हैं। 24 गेंदों में 4 रन की आवश्यकता। रन बिल्कुल नहीं लिया है अभी भी 4 रनों की आवश्यकता। और आपको पिछला सीजन 9वां सीजन जो देखने मिला था उसमें बैयर मोबाइल और यंग स्टार की भिड़ंत हुई थी फाइनल में और लगभग एक्शन रिप्ले। जाना होगा वापस अब पकड़ा है कैच। और आशीष गौतम इस समय पवेलियन हिल लौट चुके हैं और 6 गेंदों में 9 रन बनाकर लौट चुके हैं और उनका स्थान लेने बल्लेबाज डेनिस इनवाती। अभी भी 4 रनों की आवश्यकता। सामने है डेनिस। और इस चौवे के सहारे यह मैच
छोटू अनर्थे जी अपनी टीम लावे। और मैन ऑफ द मैच देने के लिए मैं विशेष रूप से सम्माननीय श्री रंजीत बैस जी। दोनों ही टीमें आ जाएं, छोटू अनर्थे अपनी टीम लावें। और मैन ऑफ द मैच देने के लिए मैं सम्माननीय श्री रंजीत बैस जी, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, आपसे निवेदन करूंगा, आप आ जाएं मंच के करीब में। और साथ ही सम्माननीय श्री सुनील धारवे जी, आपसे भी अनुरोध करूंगा। और रेडियंस रॉयल के कप्तान अपनी टीम लावे मंच के समक्ष। दोनों ही टीम के कप्तान और सह ऑनर से निवेदन, प्लीज आ जाएं, लाइन अप हो जाएं, पहले मैन ऑफ द मैच की प्रोसेस हो जाए। छोटू अनर्थे जी अपनी टीम लावे और साथ ही रेडियंट रॉयल्स गड़ी अपनी टीम लावे, लाइन अप हो जाएं। छोटू अनर्थे जी अपनी टीम लावे, छोटू अनर्थे जी। ओ समित, छोटू अनर्थे जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, अपनी टीम को लावें बाकी सदस्य। गोपी पटेल जी अपनी टीम लावें सामने, गोपी पटेल जी।